सबसे पहले ये जो वीडियो है ये रिलेटेड टू है कि स्टडी गैप। वो कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है पर्सनली और कुछ ने ग्रुप में पोस्ट किया है। वो पूछना चाहते हैं कि हमारा जो है स्टडी के अंदर गैप है, कि गैप कैसा है कि हमने किसी और फील्ड में बैचलर किया हुआ है और हम जो जॉब कर रहे हैं वो किसी और फील्ड में कर रहे हैं, तो अब हम किस तरह इस चीज़ को कंपनसेट करें, किस तरह यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर कंपनसेट करें, किस तरह हम वीज़े के प्रोसेस के दौरान इसको कंपनसेट करें। तो मैं ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ इसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि आपके जो स्टडी गैप है उसको आप किस तरह कंपनसेट करेंगे। इसमें मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला कि जो 1 से 2 साल का जिनका स्टडी गैप है, दूसरा जो 2 से 4 साल का स्टडी गैप है, और जिनका 4 साल से ऊपर का स्टडी गैप है, तो ये किस तरह इस चीज़ को कॉम्पनसेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है एक गोल्डन एज होती है कि अंडर 30 अगर हैं तो आप स्टडी के लिए किस तरह फिट हैं और किस तरह उसमें स्टडी गैप को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इस स्टडी गैप को कवर आप कैसे करेंगे इंटरव्यू के अंदर, उसको कैसे, अगर यूनिवर्सिटी वाले आपसे इंटरव्यू लेते हैं तो आप इंटरव्यू के अंदर इस चीज़ को कॉम्पनसेट कैसे करेंगे, या आप अगर एम्बेसी के एंड के ऊपर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपका इतना स्टडी गैप है तो आप इसको किस तरह कंपनसेट करेंगे। फिर लास्ट में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू वीज़ा, कि वीज़ा के दौरान आपको इसके बारे में क्या इश्यूज आ सकते हैं, आप इस तरह वीज़ा में किस तरह अपने आप को एक एज के ऊपर आप एक एज ए पॉजिटिविटी में कैसे आप अच्छा वीज़े में, मतलब इंटरव्यू के दौरान आप इसको कैसे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम जो है स्टडी गैप को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। नॉर्मली अगर आपने जो है विंटर सेमेस्टर 2021 में आपने अपनी डिग्री को कंप्लीट की है और अब आप विंटर सेमेस्टर 2022 में, यानी कि क्लॉक के हिसाब से 1 साल बाद एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका कोई भी स्टडी गैप को काउंट नहीं किया जाता, कि मतलब ये कोई स्टडी गैप नहीं है। इसके बाद अगर आपको 2 साल हो जाते हैं, लेट्स सपोज कि आपने 2000 विंटर 2020 के अंदर आपकी जो, या समर सेमेस्टर 2020 के अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है और अब आप विंटर 2022 के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके क्लॉक के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपके 2 साल हो चुके हैं। लेकिन इसमें इशू ये आता है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो है आपको वो डॉक्यूमेंटेशन में डिले करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनका जो है आपको मतलब फाइनल डिग्री के लिए आपको डिले होता है, और कुछ समटाइम्स इंसान जो है अपनी प्रिपरेशन के लिए आयल्स वगैरह देता है और तो इस तरह का, तो 2 साल के गैप आ जाता है। तो ये जो गैप है 0 to 2 years ये नॉर्मली कंसिडर नहीं किया जाता, ये कोई भी एक बैड उसमें इन्फ्लुएंस नहीं रहता आपके वीज़ा प्रोसेस में या एडमिशन में। तो आप इसको इजीली सिंपली इस माइंडसेट के साथ जा सकते हैं कि आपने जो टाइम है वो आपने पॉजिटिवली इन्वेस्ट किया है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फॉरेन स्टडीज़, कि आपने उस दौरान आयल्स दिया है या आपने उस दौरान यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च की है, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, कुछ आपने जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है, अपने अटेस्टेशन लीगलाइजेशन और ये सारे काम किए, और पैरेलल में आप थ्योरेटिकली कुछ इंटरनेट के ऊपर टाइम स्पेंड करते रहें अपनी फील्ड के बारे में और अपने के यूनिवर्सिटी को फिल्टर करते रहें कि किस यूनिवर्सिटी में जाके आपने स्टडी करना है, तो ठीक है। यानी कि अगर आपका 0 से 1 साल या 0 से 2 ईयर्स का आपका ये डिफरेंस है, स्टडी गैप है, तो आपको इस तरह इसमें कंपनसेट कर सकते हैं, और ये आपके लिए कुछ भी किसी भी लिहाज से एक जो है वो नेगेटिव पॉइंट या बैड पॉइंट या 0 पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि आपने 2 से 4 साल या 0 से 4 ईयर का आपका स्टडी गैप है, आपको जो ग्रेजुएशन किया है फॉर एग्जांपल 2018 के विंटर के अंदर, मतलब या समर में आपको डिग्री मिल गई है और अब आप जो एडमिशन ले रहे हैं वो विंटर 2022 में ले रहे हैं या विंटर 2023 में ले रहे हैं, तो ये जो 4 साल का या 3.5 साल का जो स्टडी गैप है इसको आप, क्या ये पहला क्वेश्चन है, क्या ये आपके लिए एक डाउनग्रेड साइड है, कि आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ है कि आपके पास 4 साल का स्टडी गैप है। देखें, जहां आपने यूनिवर्सिटी छोड़ी थी और जब आप नई यूनिवर्सिटी या नई स्टडी स्टार्ट करें इसके दौरान का जो टाइम है वो आप स्टडी गैप कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप उस टाइम में ये देखें कि आपने उस टाइम के अंदर कुछ कुछ काम किया है, कोई स्किल ली है या कोई एक्सपीरियंस लिया है, क्या आपने एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपीरियंस से मुराद के आपने जिस फील्ड में स्टडी किया था उसी में काम किया है, तो आपको इंटर्नशिप की है 1 साल की है या 1.5 साल की है या जितनी भी की है, या आपने कोई काम किया है रिलेटेड टू स्टडीज़ या विदाउट कोई
कोई रिलेशन नहीं है आपका स्टडीज के साथ तो भी, या आपने उस साल उस टाइम के अंदर कुछ अपने आप को डेवलप किया है, कुछ कोर्सेज लिए हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं, कुछ स्किल सेट अपना स्ट्रोंग किया है कुछ, तो इसमें तीन चीज़ों के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज़ है कि क्या अगर आपने अपनी फील्ड के अंदर ही जॉब कर रहे हैं और ये जो टाइम है आपने जॉब के अंदर गुजारा है, बेस्ट है, कोई मसला नहीं इसमें। हाँ, आपने एक साल आपको जॉब नहीं मिली, आपको दूसरे साल से चौथे साल तक जॉब मिल गई, आपने 2 साल यानी 4 साल में सिर्फ 2 साल जॉब की है तो भी कोई इशू नहीं है, आपने 3 साल जॉब की है तो भी कोई इशू नहीं है। तो जॉब का जितना भी टाइम है इस दौरान में आपने कुछ भी जॉब की है तो वो आप उसको इस ये जो स्टडी गैप है इसको कवर अप कर देगी। दूसरा है कि आपने तो स्किल सेट स्ट्रॉन्ग किया है कि कोई आपने कोर्सेज किए हैं या ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं तो वो आप यहाँ पे पुट कर दें कि आपने उनको कंपनसेट करना है कि मैंने इस दौरान ये स्टडी सेट मतलब अपना जो है अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग किया है। इसी तरह अगर आपने एक्सपीरियंस लिए है लेकिन वो आपकी फील्ड का नहीं है और वो भी आपको कोई नेगेटिव इशू नहीं है, मोस्टली यूरोप के अंदर ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो हैं हाउस बिल्डिंग करते हैं, वो इलेक्ट्रिक की हाउस बिल्डिंग करते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल का काम नहीं मिलता, वो मैकेनिकल में काम कर रहे होते हैं या वो पेंटर एज अ पेंटर कर रहे होते हैं हाउस बिल्डिंग, और मतलब हाउस बिल्डिंग एक तरह का डीए है, डिप्लोमा है, मिनी डिप्लोमा कह सकते हैं आप, तो वो किसी और फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो ये कभी भी किसी भी जगह पे ये एक नेगेटिव नहीं देखा जाएगा कि आपको उस फील्ड के अंदर नहीं मिला। तो आपने जो अपने डॉक्यूमेंटेशन है वो रियल रखनी है, ट्रूथफुली आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए और आपने पॉजिटिव रहना है। ये 0 से 4 ईयर का स्टडी गैप आपको कभी भी हर्डल नहीं होगा आपके वीज़ा प्रोसेस। एक चीज़ जो अब आती है वो है 4 से 7 साल का जो है स्टडी गैप, इसमें आपने सिर्फ ये चीज़ का ख्याल रखना है, इस इतने इतने लंबे अरसे में आपको कोई ना कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वेस्ट किया हो, कोई स्किल सेट बनाई हो, कोई काम किया हुआ हो, तो इसमें अगर आपकी जो डिग्री रिलेटेड वर्क होना बहुत ज़रूरी है, या आप नंबर वन एक डिग्री रिलेटेड वर्क हो या नंबर टू आपने पूरे 7 साल जॉब की हुई हो, 7 साल जॉब की है वो एग्जैक्टली डिग्री के रिलेटेड नहीं करती तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो डिग्री रिलेटेड है तो एटलीस्ट इन 7 सालों में या 4 साल से ऊपर है तो एटलीस्ट 3 साल यानी कि 2/3 आपका ये जो टाइम है इसमें आपके पास प्रॉपर जॉब होनी चाहिए, तो वो आपको स्टडी गैप में कंसीडर नहीं होगा बल्कि वो एक एज अ प्लस पॉइंट होगा। हाँ, अगर आपने 7 साल कुछ नहीं किया तो ये अनटिल अनलेस आपके जो ग्रेड्स हैं वो 80% प्लस हैं, उसके अलावा ये यहाँ पे आपको सिर्फ एक ब्लैक होल है, एक नेगेटिव पॉइंट है जिन लोगों का 4 से 7 साल का स्टडी गैप है और उनके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अगर 4 से 7 साल का स्टडी गैप है, वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे उसके 2/3 टाइम का, लेट्स सपोज 7 साल के लिए अगर 5 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस है मोर देन इनफ है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एक आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है गोल्डन एज। गोल्डन एज से मुराद है कि स्टूडेंट्स की जो एज है, अगर उनकी एज 30 से बिलो है और वो हायर स्टडीज़ यानी मास्टर्स और पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ अगर आपकी एज 30 बिलो है तो वो आपको अलाउ करेंगे आपका स्टडी गैप, अगर 4 साल से ऊपर भी है तो भी ठीक है। तो ये जो एज फैक्टर है ये 99% आपके लिए जो है सूटेबल होता है, अगर आपकी एज बिलो 30 है तो वो नॉर्मली एज की वजह से आपका जो स्टडी गैप है उसको इतना वो जो है इन्फोर्स नहीं करेंगे ठीक है। तो अगर आप बिलो 30 हैं जस्ट फॉर के आपको एक पॉजिटिविटी दी जाए तो इसमें आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगी स्टडी गैप के लिए। अच्छा, मैंने एक आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो कवर अप कैसे करना है स्टडी के, आपको सबसे पहले आपने जो है ना जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई भी आपने फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो आप उसकी लेटर कंपनी से लें, अगर नहीं लिया तो कोई भी लेटर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, जो स्किल सेट है आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन घर बैठे अपना स्किल सेट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कोर्सेरा है, ईडीएक्स है, यूडीमी है, उसके ऊपर आप एक हफ्ते हफ्ते का कोर्स कर सकते हैं। लेट्स सपोज के आप जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन फ्रॉम जीरो टू मास्टर्स, ये जो है कोर्स आप इसको 10 दिन में कंप्लीट कर लें। 2.5 आवर्स ऑफ वॉच टाइम इक्वल टू 1 डे,
तो यानी कि अगर आपका 12 घंटे का कोर्स है तो आप उसको एक हफ्ते के कोर्स मतलब के रियल टाइम में एक हफ्ते के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी स्किल सेट आपको इस तरह से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी, और इस तरह आप उसको जो स्टडी गैप है उसको कवर अप करेंगे मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज करके, रियल टाइम एक्सपीरियंस लेके, फील्ड से हो या फील्ड से ना हो दोनों तरफ से आप स्टडी गैप को कवर कर सकते हैं। तो एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास फिर भी क्वेश्चन है स्टडी गैप के बारे में तो कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा।